अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे और खुश होंगे। ये मैंने कुछ प्रोडक्ट मंगाए थे अमेज़ोन से और ये मुझे कल ही रिसीव हुए हैं। बहुत अच्छे हैं, इसमें प्रोटीन एक्स निकला है इसके अंदर से ये, और छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और परफ्यूम है, मिस्ट है, टोनर है, और ये बॉडी वॉश, और ये मेंस के लिए है, और बहुत अच्छे हैं। और वन मंथ आराम से निकल जाते हैं इसके अंदर। अंडर आई क्रीम, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं, यूज़फुल, कमाल के प्रोडक्ट हैं ये। और ये मैंने अपने लिए ऑर्डर किए थे, ये भी बहुत अच्छे हैं, और एक मंथ तो आराम से निकल जाता है इसके अंदर। इसके अंदर भी यही है, नाइट क्रीम, डे क्रीम, जेल, सारी बहुत ही बढ़िया यूज़फुल चीज़ें हैं। ड्राई क्रीम है, मॉइस्चराइज़र है, अंडर आई क्रीम है, ये छोटी सी है लेकिन बहुत ही मज़े की क्रीम है। और एक छोटी सी इसके अंदर से निकली है कैंडल्स, लेमन फ्रेगनेंस है इसकी, ये मैं अपने किचन में यूज़ करने वाली हूँ। छोटी सी क्यूट सी है, बहुत ही प्यारी। अब मेरे पास और भी कैंडल हैं, वो थोड़ी बड़ी साइज़ में है इससे, लेकिन ये छोटी सी सबको बहुत पसंद आई। तो बस घर के काम उसके बाद। तो अब पंख के लिए हमने यहाँ पे हुक लगाया था पहले, वो वाला उधर वाला, और अब लगा रहे हैं हम यहाँ झूले के लिए। डैनियल के झूला आया उसके लिए लगा रहे हैं हम यहाँ पे। हमें नीचे कहीं जगह नहीं मिली तो ऊपर ही लगवा दिया मैंने। डैनियल को झूले का शौक हुआ है इस टाइम। और सौंफ धनिया मैंने अच्छी तरह से साफ़ किया, उसके बाद धूप में सुखाया इसको, और जब ये धूप में अच्छी तरह से सूख गया उसके बाद मैं इसको मिक्सी में बिल्कुल बारीक पीस लूँगी। उसके बाद मैं फिर इसको स्टोर करती हूँ एक महीने के लिए, और एक महीना आराम से निकल जाता है, इससे ज़्यादा नहीं करनी चाहिए हमें। अब बरसात का सीज़न है, इसके अंदर हमें मसाले जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और एक गिलास के कंटेनर है, इसके अंदर तो वैसे भी ख़राब नहीं होते, लेकिन फिर भी मैं एक मंथ के लिए करती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं करती। इस तरह मैं कंटेनर भर के रख लेती हूँ और पूरा आराम से मेरा एक महीना निकल जाता है इसके अंदर। मिक्सी में बारीक हमेशा घर में पीसती हूँ मैं, बाहर नहीं पिसवाती। सारी सब्ज़ियों में डालती हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है सब्ज़ियों में डालने से। और जो नॉर्मल वाला धनिया होता है पिसा पिसा है, वो डालती हूँ मैं गोश्त वगैरह में, जितने भी चिकन के आइटम बनते हैं उसके अंदर डालती हूँ। और ये बस सब्ज़ी की तैयारी होने लगी थी दोपहर की, लंच की। शिमला मिर्च आलू बनाए थे मैंने, इसको 2 मिनट भूनने के बाद अच्छी तरह से, और फिर मैं आलू डाल दूँगी इसके अंदर। और भुनाई हम सब्ज़ी की जितनी ज़्यादा करते हैं ना, इतने अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर। भुनाई हमें बहुत अच्छी करनी चाहिए इसकी, 2 मिनट के लिए करें चाहे 5 मिनट के लिए करें, भुनाई करेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और बस थोड़ी सब्ज़ी बनाते हैं, हम 3 जने तो कुल हैं खाने वाले। और बस शाम की असर की नमाज़, उसके बाद चाय, और उसके बाद फिर से 8 बजते ही किचन में आ गए थे। और टमाटर प्याज को हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, और जीरा हींग सौंफ धनिया डाल के हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटर प्याज। इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, हरी मिर्च डालने के बाद, थोड़ा सा पानी डालने के बाद, अच्छे से भूनने के बाद हल्दी डाली, नमक डाला, इसी तरह से 2-3 मिनट लगातार भुनाई करेंगे। ऑयल सेपरेट होने लगे तो उसके बाद में रोस्टेड जो है जमे हैं, ये पैकेट मंगाती हूँ मैं इसका, और ये बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, हेल्दी होते हैं खाने में भी अच्छे लगते हैं। और बस पानी डाल दूँगी, पानी में जैसे ही बॉयल आएगा उसके बाद डाल दूँगी मैं सारे जमे। और बहुत इजी रेसिपी है, बहुत आसान है, किसी भी टाइम बना के आप खा सकते हैं। इसके अंदर पानी कम ही जाता है, जल्दी हो जाते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं ना ये, चावलों से कम पानी लगता है इसके अंदर। और बस 5 मिनट में बन के रेडी हो चुके थे ये, कितने मुलायम सॉफ्ट बने हैं, बहुत अच्छे।